कृपा क्षेत्र पर अमर पानी भाई बीच में से बाहर निकल जाए। नदीम जो लड़के यहाँ खड़े हैं सबको बाहर जरा निकाल दो भाइयों, जरा पीछे चले जाए, सब पीछे चले जाए, पीछे चले, औरतों को यहाँ पर खड़े होने दे, कोई मर्द यहाँ पर खड़ा ना हो। तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के यहाँ पर जितने मौजूद हैं, भाई जितने पीछे बैठे हुए हैं और जितनी बहनें यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग माएँ और तमाम हाजिर जमायत और तमाम खादमीन जो यहाँ मौजूद हैं, मसीह यसु में आप सबको सलाम। अभी हम खुदाम की हजूरी में इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और आगाज़ प्रोग्राम में मैं चाहूँगा आप सब ज़रूर है इस सारी मिनिस्ट्री के लिए, यहाँ पर आप सबके सामने लिखा हुआ है होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री। होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री का काम भट्टों पर जो लोग हैं कर्ज़ों में उनको रिलीज़ करवाते हैं, उनको छुड़वाते हैं और उसके अलावा गरीब गुरबा और इसी तरह बेवाओं के लिए खसूसी इंतज़ाम करते हैं। आप ज़रूर इनके लिए दुआ करें और दुआ में भाई अलमास भट्टी और भाई कामरान जोसेफ और इसी तरह तमाम मामूनीन जितने हमारे साथ हैं जो बाहर के मुल्क में यहाँ भी हैं, आप ज़रूर उनके लिए दुआ करें। और आज की इस इबादत में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इन सारी टीम के लोगों के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए जो रुपया पैसा आपकी माली मुआवनत के लिए और दूसरे कामों के लिए भेजते हैं, ज़रूर आप उनके लिए दुआ करें और खुदावंद हमेशा आप सबके साथ रहे। तो आए हम सब अपनी आँखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। बाबू जोसेफ साहब दुआ में रहनमाई था करेंगे और हम इब्तदाई दुआ करेंगे और अभी सब मेहरबानी करके अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आप सब खुश हैं, जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के जलाल के लिए। क्रिसमस है, क्रिसमस हमारा खुशी का त्यौहार होता है और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे बच्चों ने, हमारे ख़ानदानों ने ये इंतज़ाम किया है और सब मिलकर खुदावन की तारीफ में पहले गीत गाएंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। बादशाह यसु बादशाह अजे आ गया ने जात देन नो, बादशाह यसु बादशाह अजे आ गया ने जात देन नो, आ गया ने जात देन नो, अज आ गया ने जात देन नो, आ गया यो शाफी जिन्नू दुनिया सी सैक दे, दुनिया सी सैक दे, जिंदगी ते हक नाल रा, अज आ गया ने जात देन नो, बादशाह दा यसु बादशाह अज आ गया ने जात देन नो, चमका हनेरे विच नूर दिया वजिया, चमका हनेरे विच नूर दिया वजिया, रल के जमाता अग पीछे आन पर या पीछे आऊं पजिया, पाके प्यार दी निगाह अज आ गया ने जा
पाच दे ननो बादशाह दा यसू बादशाह अज आ गया ने जात दे ननो। बोलो खुदावन यसू मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, हम खुदावन के हजूर अपने सिरों को झुकाएंगे। हर सर जो है वो खुदावन के हजूर झुक जाए, आंखें बंद करेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे। कादर मुतलक खुदा, आसमान और जमीन के खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए और इन तमाम खुशियों के लिए जो तू खुदावन खुदा तरह तरह के तरीके से, तरह तरह के जरिए से हम इंसानों को अपना प्यार, अपनी मोहब्बत बख्शता है। तेरा जिंदा पाक कलाम फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। दुआ करते हैं सारी इंतजामिया के लिए और उन तमाम मोमिनीन के लिए जो अपने रुपए पैसे के वसीले से खुदावन तेरे गरीब लोगों की मदद करते हैं, रहनमाई करते हैं, उनके घरानों को, उनके कारोबार को खुदावन खुदा बड़ी बरकत दे। इस सारी इंतजामिया के साथ हो, इस सारी मिनिस्ट्री के साथ हो, खुदावन खुदा तेरी बरकत चाहते हैं सब इस पंडाल के लिए, एक एक जिंदगी के लिए, जितने भी खुदावन सारे संत तेरी हजूरी में हाजिर है हम सब के साथ हो। हमारी ये दुआ सुन कबूल फरमा मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और वही दुआ करेंगे और बाप कहकर पुकार सके, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। शुक्रिया हो वादा ही करो, करो शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो, करो शुक्रिया हो वादा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा ऐ खुदा वंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वंदा दा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसेदा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसेदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया हो वादा ही करो, करो शुक्रिया हो वादा, दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा, दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा, तारे चन्न नू साती देते रहमत ओदी है सदा, तारे चन्न नू साती देते रहमत ओदी
है सदा। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से लुका रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8 आयत से खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ेंगे। उस इलाका में चौराहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी करते थे और खुदावन का फरिश्ता उनके बाहर खड़ा हुआ और खुदावंद का नूर उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। यकायक उस फरिश्ता ने 7 आसमानी लश्कर की गिर्द खुदावंद की हमद की और कहती हुई जाहिर हुई, खुद बाला पर खुदा की तमजीद हो, मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना बायस बरकत हो, आमीन। माफ़ करना अगर किसी को, क्योंकि मेरे पास ऐनक नहीं थी, मैंने ऐनक के बगैर पढ़ा है, तो अगर कोई गलती होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप माजरत करेंगे, आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपकी भरपूर तालियों में मैं पास्टर पालूस साहब को दावत दूंगा, वो इस कलाम के बारे में हमें सिखाएं और आज खुदा के कलाम को हमारे दरमियान में पेश करें। भरपूर तालियों में। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज यहाँ पर सबका आना बेशक ये इत्तफाकिया बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा प्लान किया गया। आप सबको मैं ख़ास ये बताऊं, ये तकरीबन एक माह से आप सबके लिए ये प्रोग्राम जो है वो प्लान किया जा रहा था और इसके लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही थी। तो इन दुआओं में हमारे साथ ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग इस दुआ में शामिल थे और उस दुआ के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा ने दुआ को सुना है, खुदा ने दुआ को सुना और दुआ को सुनकर ये इंतजाम दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बहनों को ये फंड देना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन खुदा के लोगों ने आप सबके लिए अपनी मेहनतों को, अपने काम को जारी रखा और आखिरी दिनों तक भी बार बार इस बात पर हम बात कर रहे थे कि कैसे ये सब कुछ होगा, लेकिन खुदा ने सब कुछ किया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक खुदा घर ना बनाए बनाने वाले की मेहनत अबस है। तो जब खुदा चाहे सब कुछ हो सकता है। तो आज हमने जैसे तलावत की है, तलावत कलाम मुकद्दस में हमने सुना है ये आयात, जब से आप पैदा हुए हैं तब से ये सुन रहे हैं। बेशक ये आयात लोगों के दिलों पर लिखी हुई भी हैं, जैसे यहां लिखा है कि वो नूर जो चमका वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के चौगिर्द ना था, बल्कि खुदा का नूर जो चमका वो सबसे पहले गरीब और वो लोग जो दुदुकारे हुए थे, वो लोग जो अवाम से खानदानों से दूर थे,
यानी जंगलों में थे, यानी गडरिये वो चरवाहे, यहूदी लोग अपने चरवाहों को अपने साथ नहीं रखते थे, बल्कि चरवाहे घरों से खानदानों से दूर रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो उन लोगों के दरमियान में चमका जो लोगों से उस फासले पर थे कि एकदम से उनके लिए कोई मदद नहीं जा सकती थी, लेकिन खुदा ने अपने पाक फरिश्ता को भेजा, दबाप ने अपने फरिश्ता को भेजा ताकि उनको खुशखबरी दे। तो खुशखबरी का मतलब यह है कि किसी को मौत में से निकालना, किसी को कैद से रिहाई देना, किसी को गुर्बत से निकालना, किसी को मुश्किल परेशानी में उसकी मदद करना। खुशखबरी का मतलब यह है कि जब वो दुख में गम में है तो उसके लिए एक अच्छी खबर का आना। तो वो लोग बेशक परेशानी में, गम में, दुख में, तकलीफ में थे कि कब हमें यहां से निजात मिलेगी। तो यहां लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। किनके लिए पैदा हुआ है? तुम्हारे लिए, जो दुख में, गम में, तकलीफों में, मुसीबतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए मुनज्जी पैदा हुआ है ताकि उनको दुखों से रिहाई दे। तो ना सिर्फ आम लोगों के दरमियान चमका बल्कि बादशाहों को भी यह खुशखबरी फैलाई दी गई, और चरवाहे जो बिल्कुल आम लोग थे उनको सबसे पहले। तो आज मैं समझता हूं कि तमाम ये बहनें जितनी यहां पर पहुंची हैं, आज होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री के वसीला से इनके लिए एक बड़ा इंतजाम किया गया। सबसे पहले, अभी क्रिसमस जो है वो चंद दिन बाद है, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए ये इंतजाम उन्होंने किया है। तो ये खुदा की तरफ से है, और बेशक आप सबके सारे दुखों का हम दावा तो नहीं है, आपके सारे दुखों को तो ख़त्म नहीं कर सकते, आपकी सारी परेशानियों को तो ख़त्म नहीं कर सकते। होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री फिर भी आपकी इन परेशानियों में, आपके गम, दुख, तकलीफ में थोड़ा सा ये हिस्सा डाल रही है ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को भी कबूल करके और इन चीज़ों को भी अपने पास रखे। ज़रूर है खुदावंद यीशु मसीह पर इसी तरह भरोसा रखे, क्योंकि अगर हम मसीह पर भरोसा रखेंगे तो ये चीज़ें जो आज दुनिया में हमारी ज़िंदगी में कम हैं, यहाँ पर भी मिलेंगी, और आसमान पर भी जो हमारे लिए उसने अच्छा खजाना रखा हुआ है वो ज़रूर हमारे लिए उसको मुहैया करेगा। आप किसी ऐसे शख्स पर, किसी शख्स पर यानी आदमी पर भरोसा न रखे, क्योंकि आदमी किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है मलाउन है वो शख्स जो किसी आदमी को अपना बाजू जानता है, किसी बशर को अपना बाजू जानता है। ज़रूरी है कि आप भरोसा, तवक्कल, ईमान, अपने यकीन हमेशा उस खुदावंद यीशु मसीह पर रखे जो सबको दे सकता है। वो किसी को खाली हाथ नहीं लुटाता। वो ज़रूर कहता है कि चिड़िया और काए जो हैं, कव्वे जो हैं, वो तो बेशक वक्त पर उनको मुहैया करता है, तुम्हारी कदर तो उनसे भी ज़्यादा है। तो इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे, और कभी अपना भरोसा ना तोड़ें बल्कि उस पर हमेशा ईमान रखें जो चरनी में आया, बेशक उन गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, नादारों के लिए, मुफलसी में फंसे हुए लोगों के लिए। तो आज भी वो सबको गले से लगाता है, बेशक वो आज भी सबको मुहैया करता है। खुद आपको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए, आमीन। आए हमारे मौसिस मेहमान जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम उनको अपनी दिली खुशी का इजहार करेंगे हार पहनाकर, और हम उनको वेलकम कहेंगे। उनको वेलकम कहने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा पास्टर पलूस साहब को कि वो सामने स्टेज पर आएं, और उनको हार पहनाने के लिए मैं भाई अकरम से, अकरम डीजे जो हमारे बड़े मोजिस मेहमान को हार पहनाएंगे। पास्टर पलूस साहब आपकी भरपूर तालियों में, सबकी तालियों की गूंज में पास्टर पलूस साहब यहां आएंगे और उनको भाई अकरम डीजे हार पहनाकर उनका वेलकम करेंगे। इसी तरह से पास्टर खुरम शहजादा साहब वो भी सामने स्टेज पर आएंगे और उनको हार पहनाने के लिए मैं बिल्ला भाई से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए स्टेज पर और पास्टर खुरम शहजादा साहब को हार पहनाएं जोरदार तालियों के साथ। इसी तरह से मैं
बाबू जोसेफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए। जोरदार तालियां। इसी तरह से डॉक्टर सुधाकर साहब वो सामने आएंगे और उनको होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अलमास भट्टी साहब उनको हार पहनाएंगे और अपनी दिली खुशी का इजहार करेंगे जोरदार तालियों के साथ। इसी तरह से मैं गुजारिश करूंगा परवेज बरकत साहब से कि वो सामने आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। मेरे वालों सारे मेरे ख्याल पंजाबी सारे समझ आती है तो बड़ी अच्छी गल है कि अं माँ बोली दे अगर गल करिए। मेरे वालों सारे सलाम। जिंज कदेश ने तुम दस ही दिता कि मेरा नाम अलमास है और मैं इस मिनिस्ट्री का डायरैक्टर हाँ और इस मिनिस्ट्री जी की करती है ये तक पहुँचा जोड़ा ना वो साडा फर्ज भी है और तुम पता भी होना चाहिए कि अज ती कितने आए हो और कि ने तू इतें बुलाया और कि ने सारी जदोजहद करके कोशिश करके तो अज तू अज जो तू पहुँचाया वे राशन पहुँचाया है। सो इस मिनिस्ट्री का नाँ तो तू पता चल ही गया कि होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री पाकिस्तान है और यह मिनिस्ट्री करती की है ये भी तू पता होना चाहिए कि यह मिनिस्ट्री का मैनीफेस्टो की है ये करती की है। यह मिनिस्ट्री भट्ठिया के उत्ते जाती है और भट्ठिया के उत्ते वो लोगों तलाश करती है जेड़े बड़े ही या तो उत्थे भट्ठे के मालक ने उन्होंने मारिया हों या उत्थे उन्होंने ना किसी किस्म की ज्यादती हुई होंगी है या उत्थे उन्होंने मजहबी तासब का जड़ा ना सामना करना पैंता पै ए उन्होंने लोगों को जाती है उन्होंने कर्जा पूछती है किन्ना कर्जा है और उन्होंने यह रिलीज़ करवाई है उन्होंने कर्जा पे करके तो उन्होंने उतों कढ़वा के तो उन्होंने एक सेफ जगह पर महफूज जगह पर जी उन्होंने पहुँचाती है। और दूसरा काम जड़ा वे ना सिर्फ उन्होंने छड़वांदी है बल्कि उन्होंने अगे उन्होंने दो दो महीने का तीन तीन महीने का राशन दे के उन्होंने अगे अपलिफ्ट कर दिए ताकि वह दो तीन महीने वो राशन के नाल कढ़ के ते अपने सेविंग कर सकन कमा के पैसे कमा के ते उन्होंने सेव करके अपनी बेहतर जिंदगी जी है ना जी कि भट्ठे तो निकल के ते दूसरी जगह पर आ के उन्होंने बेहतर जिंदगी गुजार सकन। दूसरा तीसरा जेड़ा काम है वह की करती है मिनिस्ट्री भट्ठिया के उत्ते जेड़े बच्चे पढ़ते नहीं जेड़े भट्ठिया के उत्ते काम करते हैं उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करती है और बहुत सारी कोशिश दे विच असी कामयाब हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों जेड़ा ना वो पढ़ा भी रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने पढ़ा रहे हैं उन्होंने तक पहुँचने उन्होंने पढ़ाने उन्होंने पढ़ा के बेहतर मुस्तकबिल वालू जेड़ा ना वो लैके जाने की कोशिश करन दे आ। अगे खुदा की मर्जी है कि खुदा की चाहता है और साड़ी दुआ है दिली दुआ यह हुई है कि खुदा जेड़ा सानू इस मकसद च कामयाब करे। इस मिनिस्ट्री के विच जेड़ा ओ मेरा नाम तो तुम पता चल गया। दूसरा कामरान जोसेफ साहब ने कामरान भाई जरा स्टैंड कामरान भाई ने जेड़े मेरे नाल इस मिनिस्ट्री दे विच काम करते ने और दिन रात अही कुछ लोगों नू लिखने अही चर्चा नू लिखने असी दूसरे तीसरे लोगों नू लिख के ते डोनेशन छोटी छोटी डोनेशन जिहड़ी है वह कट्ठी करके ते अपने मसीह भैन भरा जिहड़े साडे पाकिस्तान च ने जिहड़े बड़े ही मतलब पिसे हुए ने उन्हां तक पहुँच के उन्हां दी हैल्प करन दी कोशिश करनी है। दूसरा मेरे नाल जिहड़ा दिन रात भाए सर्दी होए भाए गर्मी होए भाए धुंद होए तो भाए मीह होए वह पादरी भालू साहब ने जिहड़ा जिहड़े जगह जगह पर जाके खुदा दा कलाम पादरी साहब जरा स्टैंड जिहड़े जगह जगह जाके जिहड़े जगह जगह जाके खुदा दा कलाम और खुदा दे मूंह दीआं गल्लां जिहड़ियां ने लोगों तक शेयर करते हैं। चूंकि तुहानूं पता ही होना कि बहुत सारे भट्ठिआं दे उत्ते बहुत सारे पादरी साहब नहीं जाते यूहन्नाबाद च तो बहुत सारे चर्च ने मगर भट्ठिआं दे उत्ते चर्च नहीं उत्थे असीं जाने आ उत्थे जा के लोगों खुदा दा कलाम भी दसने और उन्हां दी हैल्प भी करने आ।
उस तो बाद ने नासर हनूक गिल साहब ने नासर हनूक साहब हाथ जरा नासर हनूक साहब भी बेलौस खिदमत करते हैं मेरे नाल और पट्ठिया उत्ते जाके बहुत सारे लोगों दी तस्वीर खिंचते हैं ताकि असी लोगों नूं दस सकी कि इन्हां दे हालात किहो जिहे ने। उस तो बाद ने अकरम भाई अकरम डीजे साहब अकरम भाई ने इन्हों जदों मैं कहा दिन होए रात होए मीह होए नेरी होए इन्होंने मैं कहा कि यार पट्ठे फलाने तो इन्हें मसला बनया तो उत्थे जाना है। इन्होंने कहा जी जाना तो जाना है। फिर वह भाए रात के 11 बजे होन तो भाए रात के 12 बजे होन ए हर दम तैयार होंगे ने। उस तो बाद ने बिल्ला भाई को क्योंकि साड़ी मिनिस्ट्री को अजे गड्डी कोई नहीं है असी इन्हों की गड्डी भी जी है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हों भी असी वक्तन फवक्तन जड़ा ना वो नाल अपने लैके जाने ये भी बेलौस साढ़े नाल खिदमत करते हैं। पास्टर यूनस साहब ने जेडे कसूर च ने साढ़े नाल वो खिदमत करते हैं। पास्टर बिशारत साहब ने जेडे शेखपुरा च ने पास्टर मुसवर साहब ने वो भी शेखपुरा के साढ़े नाल खिदमत ने खिदमत करते हैं और सानू फैमिलीज लोकेट करते हैं दसते हैं कि ए फैमिली दे नाल ए मसले चलन दे ने इन्हां दी हैल्प करो और असी उत्थों तक फिर पहुँचने हैं। तो अज का जोड़ा ए प्रोग्राम है मैं तो मेरे बड़े ही हाँ एक इमरान भाई ने इमरान भाई का तारफ कराना तुम्हें भुल गया इमरान जोसफ साहब ने बब जोसफ साहब के बेटे वह भी जोड़ा ना साढ़े नाल बहुत दिलों खिदमत करते हैं और दिन रात साढ़े नाल जदों भी है ना वो जदों भी असी उन्होंने कहने वो साढ़े नाल जाते हैं पट्ठिया के उत्ते और दूसरे लोगों के मसाइल सुनने के लिए वह भी साढ़े नाल जड़े ना वो हर दम तैयार होंगे ने। यह जोड़ा अज का प्रोग्राम अरेज किया जा रहा है ये प्रोग्राम इंज सी कि मैं तो इमरान भाई एक दिन छत पर ही वॉक करन दे ते असी सोचन दे हाँ कि ए करोना के दिनों के बहुत सारे घर के चुल्हे जड़े ने ना वो ठंडे पे देने तो यह उत्तों आ गया क्रिसमस खुशी का दिन है तो क्यों ना इन्हों राशन दिता जाए और खसूसन उन्होंने दिता जाए जिन्हों के कोल कमान दे लई कोई होर दूसरा बंदा नहीं है वो खुद ही बेचारियां कर दिया ने उन्हां तक पहुँचे जे। तो कहिंदे पट्टी साहब पैसे कितों आणगे मैं कहा यार ये तो मैनू भी नहीं पता कि पैसे कितों आने मगर असी उदन ही तैयार किया कि असी जिहड़ा ना हर बंदे नूं दसांगे कि सानू यह खवातीन दे लई सानू पैसे दवो अही इन्हां दे विच राशन डिस्ट्रीब्यूट करना और खुदा ने दूसरे दिन ही जड़ा ना इस साड़ी गल का जड़ा ना जवाब दिता तो उन्होंने सानू कहा कि ठीक है तुसी उन्होंने लोगों नू दवो राशन और अज ए राशन तुहाडे सामने पिया और तुहाडे नाल जाएगा और साड़ी मिनिस्ट्री नू और सानू जड़े लोग जड़े लोग पट्ठिया ते जांदे ने या होर साड़े नाल गायबाना हैल्प करदे ने उन्हां नू अपनी दुआवां च याद रखना ताकि अही मजीद फिर ताड़े नाल मिल के ते कोई सेलिब्रेशन कर सकिए। मेहरबानी मैं गुजारिश करूंगा भाई अलमास भट्टी के वालिद साहब रफीक भट्टी साहब वो सामने आएंगे और इस दुआ में रहनुमाई अता करेंगे। मेहरबान कदूस जलाली रहीम खुदावन दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र बजा लाता हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए जो कि खुदा बाप तूने फिर से हमारी ज़िंदगी में हमें अता किया। ख़ास तौर में इन बच्चों के लिए मैं खुदा बाप तुझसे मिन्नत करता हूँ तू इनके साथ होना इनके सारे कारोबार में इनको बरकत अता करना ताकि ये आइंदा भी तेरी खिदमत करते रहें तेरा जलाल ज़ाहिर करते रहें। जितनी टीम इनके साथ है उन सबको बड़ी बरकतों से माला माल कर ताकि ये तुझ में बढ़े फलें और तेरा जलाल जाहिर करें। ये दुआ मसीह खुदावन का जिंदा जलाली रहीम नाम लेकर मांग लेता हूँ। आप सब मेरे हाथों में ये एक माइक देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल न्यूज HD। हमारे दरमियान डॉक्टर सौदागर साहब हैं जो इस चैनल को रन कर रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे और आज के इस प्रोग्राम के हवाला से हमसे अपनी बातों को शेयर करेंगे। आपकी ज़ोरदार तालियों में डॉक्टर सौदागर साहब।
मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ अलमास भट्टी साहब को, जो डायरेक्टर हैं होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के, कि इन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, जबकि इन्होंने बताया कि हर तरफ पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो फैला हुआ है और लोग बेरोज़गार हैं, कारोबार बंद हुए हुए हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि हम लोगों की जो है वो मदद कर सके। खुसूसी तौर पे इन्होंने कोशिश की कि हम क्रिसमस पर लोगों की मदद करें। मैं समझता हूँ क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, और आज अलमास भट्टी ने होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री की जानब से ये साबित किया है कि वो लोगों में प्यार और मोहब्बत को तकसीम कर रहे हैं। इस राशन के ज़रिए हो, दुआओं के ज़रिए हो, जिस तरह भी है, उन्होंने आप लोगों तक अपना राशन पहुँचाया है। हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ की जानब से मैं आपको थोड़ा सा तारफ करवाता जाऊँ। नेशनल न्यूज़ खसूसी तौर पर पाकिस्तान में बसने वाली जितनी मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनको हाईलाइट करता है। इनके अलावा जो भी लोग हैं हमारी मिनिस्ट्रीज जो लोग चला रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं, उनके प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं, ताकि सबको पता चले कि ये लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं। शुक्रिया, मेरी तरफ से आए हुए तमाम लोगों को क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। और आए हम सब अपने सरों को झुकाकर दुआ करेंगे, आज के इस तमाम तर प्रोग्राम की शुक्रगुजारी करेंगे और ब्लेसिंग के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने तमाम तर हदिया जात दिए ताकि आज का ये प्रोग्राम सर अंजाम पाए। और ख़ास तौर पर हम होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे, जिंदा खुदा जो हर वक्त हमारी मदद है, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर वक्त हमारी निगहबानी करता है, वो इस मिनिस्ट्री को और ज़्यादा कसरत के साथ बरकत दे और अपने जलाल में अपने नाम में और ज्यादा बढ़ाता चला जाए। और खास तौर पर इनकी टीम के लिए खुदा के लिए खुदा से दुआ करेंगे, खुदा इनकी टीम को भी ब्लेस करे। खास तौर पर हाजिर तमाम तर हवातीन और जिनके लिए यह खसूसी क्रिसमस का गिफ्ट जिनको दिया जा रहा है, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि वो भी आज इस खसूसी लम्हात के वसीला से, इस गिफ्ट के वसीला से वो क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सके। मैं गुजारिश करूंगा होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के पास्टर फालूस सैमुअल वो सामने आएंगे और इस तमाम तर दुआ में रहनुमाई अता करेंगे, इन मकासद के लिए खुदा के हजूर में दुआ करेंगे। खुदा के हजूर में सजदा रेज होंगे और सब खुदा के हजूर में बड़े ईमान से दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे और होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री का नाम लेकर सब दुआ करें। भाई अलमास भट्टी का नाम लेकर दुआ करें और इसी तरह तमाम भाइयों का जो इस इंतजाम में इंतजामिया के लिए और इसी तरह तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास और भाई कामरान के लिए, कामरान जोसेफ साहब के लिए, और इसी तरह खुदाम के हजूर में बाहर के ममालिक से जो लोग डोनेशन भेजते हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। सब खुदा के हुजूर झुके हैं। कादर मुतलिक खुदा बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तुझे सजदा तज़ीम पेश करते हैं। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, इस वक्त होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री के लिए हम सब मिलकर तेरे हजूर में आई खुदम इसकी और ज्यादा तरक्की और आई खुदम तेरे हजूर में खास रहमत के लिए दुआ करते हैं कि तू और ज्यादा बेहतर वसाइल आई खुदा खुदा मुहैया कर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आई खुदा खुदा ये मदद फ्राहम कर सकें। और आई खुदा जो भट्टों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों के मसाइल को हल करते हैं, बेशक ये तेरे नाम के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक तेरा नाम हमारे साथ नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तुम्हारी ईदों से, तुम्हारे नए चांदों से, तुम्हारी तमाम उन बातों से मुझे नफरत है क्योंकि वो मुझ पर भार हैं। इसलिए तुम जरूर है कि जो कुछ कर रहे हो उससे पहले अपने आप को खुदा के जरूर मिलाओ, अपने आप को पाक करो, धो और अपने आप को इस लायक बनाओ, तो जरूर है खुदावंद खुदा वो सब लोग जितने हमारे साथ हैं, वो सब लोग जो होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री का साथ दे रहे हैं, तेरे बंदा अलमास भट्टी और जोसेफ कामरान जोसेफ साहब का साथ दे रहे हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बेहतर तरीका से चलना सिखा, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखा ताकि
दूसरों को भी तेरे पास लाने का इसी तरह वसीला रहे। आज तेरा कलाम बहुतों के लिए बरकत का सबब रहा, शुक्रगुजार हैं आज दुनिया की खुदा खुदा इन बहनों को जो तू अपने कलाम से खुशखबरी दी है, बख्श दे के उसके ऊपर ईमान रख कर तुझ में बढ़े। और शुक्रगुजार है इस सारे सामान के लिए, इस सारे आई खुदा खुदा लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद हुए हैं, जिन्होंने सारे प्रोग्राम को अरेंज किया है, जिन्होंने इसमें मदद की है, सबके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आई खुदा तमाम पास्टर साहबान के लिए, बाबूजी के लिए जो यहाँ मौजूद हुए प्रोग्राम में, सबके लिए तेरी बरकत हो। होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री हमेशा तेरे जलाल में बढ़े, तेरा फजल सबके साथ रहे, खुदा यस्सु के पाक नाम के वसीला से आमीन। दुआ रबानी पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा हम सब एक नारा लगाएंगे, खुदा यस्सु मसीह के नाम की, हाथ खड़ा करके खुदा यस्सु मसीह के नाम की, खुदा यस्सु मसीह के नाम की। तो आए हम सब दुआ रबानी पढ़ेंगे और कलमाते बरकात हासिल करेंगे। अपने हाथों को उठाएं खुदा के हजूर में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। अब खुदा बाप का जलाल, पाकुल की रफाकत और शराकत, मसीह यीशु का प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, हाजरीन सारी जुमायत और ख़ास तौर पर होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री और दुनिया कुल मसीह ईमानदार लोगों के साथ, आलमगीर तमाम कलीसियाओं के साथ और बनी इसराइल कौम के साथ अब्दुल बाद तक कायम रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटे और उसके नाम की बरकत आप सबके साथ जाएगी। अभी जैसे तरतीब के साथ आप सबको बताया जाएगा, उसी तरह ही आप खड़े होंगे। हमारे दरमियान होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के चेयरमैन, होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के बानी कामरान जोसेफ साहब मौजूद हैं। वो अपने ख्यालात का और शुक्रगुजारी के चंद अल्फाज का हमारे साथ वो अपने अल्फाज को शेयर करेंगे। आपकी ज़ोरदार तालियों में भाई कामरान जोसेफ, होल्डिंग हैंड मिनिस्ट्री के चेयरमैन, हमारे से अपने ख्यालात का जिक्र करेंगे। इस तरह अलमास भट्टी साहब आपको बता रहे थे होल्डिंग एयर मिनिस्ट्री जो है इसके मकासद क्या हैं। मैं आपको जो हमारा सबसे जो पहला जो हमारी एक्टिविटी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी। मैंने और अलमास साहब ने जब ये एम किया, ये अहद किया कि खुदा ने हमें बहुत से वसाइल से नवाजा हुआ है और हमारे पास हमारी जॉब्स भी हैं और उसकी बड़ी बरकत हैं, लेकिन इन सब का तब तक हमें सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है जब तक हम ये सब होने के साथ साथ दूसरों के लिए कुछ ना करें। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे पास कम वसाइल थे और हमने 3500 रुपए में, ये आज से 2 साल पहले की बात है, 3500 रुपए में हमने बच्चों के लिए, जो बट्टों पे बच्चे होते हैं उनके लिए गिफ्ट पैक्स जो है वो तैयार किए, जिसमें चॉकलेट्स, कैंडीज और इस तरह मतलब डिफरेंट गिफ्ट्स जो हैं वो बच्चों के लिए पैक किए और वो हम ले के तो भट्टों पे गए और जाके तो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। वो कहते हैं कि नियत और जो जो आपकी नियत होती है उसको फल लगता है, तो खुदा हमारे साथ था और हमने सब कुछ खुदा के हवाले किया कि अगर हमारा ये मकसद नेक है तो हमें बरकत देना। अभी पादरी साहब जो आपको लेक्चर दे रहे थे उसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, आप किसी तंजीम की तरफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, किसी एनजीओ की तरफ नज़र उठा के ना देखें। आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ उठनी चाहिए। खुदा ही है जो सारे जो ज़रिए है वो मुहैया करता है, और अगर हमारे अंदर उसने ये जज्बा पैदा किया है, खुदा करे आप लोगों में से भी खुदा आपको वसाइल दे, हमारे बहनें उठें, हमारे भाई उठें जो लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़े। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका क्योंकि अभी बस हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। और मैं सबसे पहले आज का ये जो प्रोग्राम है सारा, इसमें आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने शिरकत की यहाँ पे, और फिर उसके साथ साथ सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ परवेज़ बरकत साहब का, अगर वो प्लीज़ खड़े हो जाएं, क्योंकि इन्होंने हमें ये जगह मुहैया की है। इन्होंने कहा है कि अच्छे तरीके से एक मेयार के साथ आप लोगों को रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक मेयार के साथ आप उनको ये जो आपकी एक्टिविटी है वो करें। इसके साथ साथ
मैं डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी हमारे मेहमान खसूसी जो हैं उनकी फहरिस्त में हमारे पास थे और उन्होंने अपने मुश्किल वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इसी तरह सुल्तान महमूद साहब उर्फ बिल्ला भाई, ये हमारे हर कदम में साथ रहते हैं और दिन हो रात हो बारिश हो गर्मी हो जो भी हो, बिल्ला भाई हर वक्त हमारे साथ जो है वो खिदमत के लिए तैयार होते हैं और हर फील्ड में हर जगह जाने के लिए हमारे साथ कंपनी करते हैं। मैं अंकल रफीक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी वक्त निकाला और हमें वक्त दिया और ये हमारे बड़े हैं, जिन लोगों की हिम्मत जिन लोगों की हौसला अफजाई जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे साथ हैं। हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो हमारे सर पे हैं और हमें रहनुमाई जो है वो मुहैया करते हैं। पादरी पलूस साहब हमारे लिए बहुत ही अहम हैं क्योंकि जो जज्बा खिदमत के लिहाज से, मैं खुद भी एक पादरियों के घराने से हूँ, मेरे नानके भी पादरी हैं और दादके भी सारे, लेकिन चूँकि मैं इनकी जो खिदमत है पादरी पलूस साहब की, मैं उससे ज़ाती तौर पे बहुत मुतासर हूँ और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला और हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह मैं अपनी सारी जो टीम है, मैं ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है जिन्होंने ये पैक्स बनाने के लिए हमारी मदद की है और ये जो पार्सल पैक्स बने हुए हैं ये इस तरह पैक करके यहाँ पे रख देना, देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत दरकार है। एक एक चीज़ को पैक करना, उसको शॉपर्स में डालना, फिर उनको बंद करना और फिर सारा यहाँ पे बंद करके इस तरह खूबसूरती में रखना, ये सारे जो हमारी यूथ है जो बच्चे हैं ये हमारे, मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये सारी जो टीम है ये हमारी साथ खड़ी है। इसी तरह हमारी जितनी जो होल्डिंग एंड मिनिस्ट्री की टीम है, मैं उन सब की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियां जो है वो मुबारक हों, हम आपको ग्रीट करते हैं और खुदा आपके साथ हो। अफरा तफरी नहीं डालनी, सारों को मिलेगा, जिन जिन के नाम लिखे हैं उन सारों को मिलेगा और उनके पास टोकन होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने जिनको देना है उनके हमने नाम लिखे हैं, उन तक हमने टोकन पहुँचाए हैं। पादरी खुरम शरारा साहब के चर्च से है मिसिज नसीम जावेद, उसके बाद है अनायत बीबी। अनायत बीबी कौन है? पास्टर खुरम शहजादा साहब के चर्च से है ये। शहनाज सलीम, ओके शहनाज सलीम, अपनी अपनी जगह पे बैठो, सारे मिलेगा, जेड़ा तेरे को पर्सनल है उन्हें सारे मिलेगा। अंकल जी इधर देखो, इधर नु, इधर नु, पास्टर खुरम शहजादा साहब के चर्च से जो लोग हैं उनके नाम बोल रहा हूं मैं। सीधा बीबी वैलेट अख्तर, पास्टर खुरम शहजादा साहब के चर्च से हैं वैलेट अख्तर। अपनी जगह बहुत 2 मिनट में पहुंचा।